डोमचांच प्रखंड अंतर्गत शहीदों की धरती शहीद चौक डोमचांच में दिन बुधवार को कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान सह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग झारखंड सरकार बादल पत्रलेख उपस्थित हुए। कार्यक्रम से पूर्व मुख्य अतिथि ने शहीद स्मारक डोमचांच में शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पत्रलेख ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए अनुशासन जरूरी है, चाहे वो पार्टी को मजबूत करने की ही बात क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी को सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का सहयोग यदि हमें प्राप्त होगा तो पूरे देश में कोडरमा की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। कोडरमा जिले में उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के एक वर्ष में 1,00,000 लोगों को फायदा दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में बहुत सारे वादे किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वे खाते में 15-15 लाख डालने की बात हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो। केंद्र सरकार ने सिर्फ जनता को लुभाने के लिए झूठे झूठे वादे कर जनता को बरगलाने का काम किया। आज चाहे वो किसान हो चाहे वो गरीब जनता, आज हर तबके के लोग त्रस्त हैं। भाजपा की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। वहीं इस दौरान कांग्रेस जिला कार्यालय की नींव रखी गई, जिसका भूमि पूजन मंत्री बादल पत्रलेख ने विधिवत पूजा अर्चना कर और नारियल फोड़कर शुरुआत की। साथ ही उन्होंने पार्टी की बिल्डिंग बनाने के लिए 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। वही कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा कोरोना काल में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को मंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। टोटल 9,07,000 किसानों को इसका लाभ जाना है। 7,84,000 किसानों का पूर्ण कर्ज माफी होगा। 1,23,000 किसानों का 50,000 तक मैक्सिमम माफ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पशुधन योजना में 355 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अनुदान 50% अनुदान पर APL के साथ साथ BPL महिलाओं को 2,000 गाय की योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य क्षेत्र हैं जैसे मार्केट लिंकेज, कस्टम सेंटर, इन सब का भी बिरसा गांव, बिरसा किसान, 4 सालों में 24 लाख बिरसा किसान के प्रशिक्षित किया जाएगा, जो इस राज्य के GDP में 12% से अपने योगदान को 20% तक ले जाने में कामयाब साबित हो। बना दी गई है उप निदेशक भुदत के अध्यक्षता में। यहाँ के 4 ब्लॉक को चिन्हित किया गया है, 2 ब्लॉक की स्वीकृति मिल गई है। विभाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। साल रोजगार का साल होगा। आप देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो यहाँ काम कर रही है उसमें यहाँ के स्थानियों को 75% आरक्षण देने के कैबिनेट में घोषणा की जा सकी, विधानसभा में की जा सकी। और साथ ही जो डिलेड JPSC की 4 परीक्षाएं थी उसको भी क्लियर कर दिया गया। और भी जितनी परीक्षाएं हैं, जो रिक्तियां हैं, उसको भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। बेरोजगारों को अवसर दिया जाए। वी टाइम न्यूज के लिए डोमचांच कोडरमा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।